الحمد لله رب العالمين पाकिस्तान से औरत उम्रे की नीयत करके आई थी, आकर उसने शैम्पू से गुसल करके तवाफ साई की है, एक बकरी दम अदा करे, यानी मेकअप के बगैर उम्रा नहीं हो सकता था। अच्छी बात ये होती कि तुम पहले ब्यूटी पार्लर जाती, वहां से फेशियल करवाती, बाद में आके तवाफ सफा कर। अगर गर्मी लगी थी पानी बहा लो, गर्मी लगी है तो चलो सादे साबुन से नहा लो, शैम्पू वैम्पू से नहा लो, जायज नहीं है ना। एक बकरी दम अदा करो, इस्तग़फ़ार भी करो कि क्यों तुमने ज्यादती की। और फिर मेरा भाई, पहले जमाने में तो 6-6 महीने एहराम होता था, यानी एहराम जब ईगाह से बांधते थे तो अब ऊंटों पे आना है, घोड़ों पे आना है, गधों पे आना है, कितना टाइम लगता था। अब तुम हवाई जहाज में आते हो, एयर कंडीशन में आते हो, एयर कंडीशन गाड़ी में आते हो, एयर कंडीशन होटल में आते हो, पसीना भी नहीं आता, तुम्हें गुस्ल शरीफ की जरूरत क्यों पड़ गई। और एहराम का माना ये है, हुजूर ने फरमाया कि रुब्बा अशअसा अकबा के बाल खुले हूँ, मिट्टी पड़ी हो, अल्लाह कहते हैं मलाइका से देखो मेरे बंदे क्या लेने आए हैं। ये थोड़ा है कि मेकअप सिंगार करके आओ। तो हमारी असेंबली में एक दफा एक एमपी साहिबा ने शिकायत की थी मिनिस्टर से कि जनाब ये फला फला एमपीए जो है ना, वो मुझे देखते हैं और छेड़ते हैं। उन्होंने कहा बीबी जब तुम मेकअप श्रृंगार करके आओगी तो छेड़ेंगे तो सही ना, इस तरह तो होता है इस तरह के काम में। आप पर्दा करके देखे, मैं इनकी आंखें निकाल लूंगा छेड़े तो। जब तुम बन समर के आती हो तो खिलता हुआ फूल तो सब देखते हैं।